अधिगम्या महेश्वरा कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। ओम शांति शांति शांति। इधर से आए तत्पुरुष से चल रहा है। देखो कौन सा समाज चल रहा है? तत्पुरुष समाज। ओम तो तत्पुरुष एक सूत्र है, उससे तत्पुरुष होता है। बराबर जी। क्या सूत्र है? तत्पुरुष है ना। अच्छा, ये जो लिंग का जो निर्धारण होता है समास का, तत्पुरुष में लिंग किसके अनुसार होता है? उत्तर पद के अनुसार होता है। परवल लिंगम दंद तत्पुरुष जो हो 186 नंबर पृष्ठ है, ठीक है, गीता प्रेस की नई वाली पुस्तक में 186 है। परवल लिंगम दंद तत्पुरुष जो दंद समास होगा और जो तत्पुरुष समास होगा, इसका लिंग किसके अनुसार होगा? उत्तर पद के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। होता है, जैसे उदाहरण क्या दिया, कुकुट मयूरौ इमे, ठीक है, कुकुट मयूरी क्या समास है? दंद, दंद समास है। इसलिए यहाँ पर जो मयूरी है उत्तर पद पर पद, उसके अनुसार कुकुट मयूरी का होना चाहिए, है ना। हाँ, समझ में आया? तो हो गया, होना चाहिए क्या? हो गया। इसलिए कुकुट मयूरी में क्या लिंग हुआ? स्त्रीलिंग हुआ, हो गया। और मयूरी च कुकुटश्च करेंगे तो क्या शब्द बनेगा? मयूरी कुकुट, तो कुकुट पुलिंग में होता है, इसलिए मयूरी कुकुट भी किस लिंग में हुआ? पुलिंग में हुआ। इसलिए यहाँ पर मयूरी कुकुटौ हो गया। हाँ, इसलिए ये पुलिंग में है, इसलिए इमौ शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? इमौ कहाँ का रूप है? इदम का पुलिंग में प्रथमा द्विवचन इमौ बन गया, ठीक है। तो ये दोनों कुकुट मयूरी किसका उदाहरण है? दंद समास का है, और मयूरी कुकुट किसका उदाहरण है? ये भी दोनों किस कौन सा समास है दोनों में? हाँ, चाहे कुकुट मयूरी कहो चाहे मयूरी कुकुट कहो, दोनों तो किस समास में है? दंद समास में। आ गया, चलो। उसके बाद आया अर्धा पिपल्ली आया। अर्धा पिपल्ली जो है ये कौन सा समास है? अर्धा पिपल्ली कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। किस सूत्र से होगा? कुछ भी बोलते ही है। अर्धम नपुंसकम क्या है? अर्धम नपुंसकम से समास होता है। पिपल्याः अर्धम, पिपली जानते हो? पिपली खाते हैं ना, ऐसे दवाई में डालते हैं, देखे हो, उसको कहते पिपली, पिपली पिपली बोलते हैं हिंदी में भी। उसका आधा भाग डालो ऐसा बोल दिया। पिपल्याः अर्धम शब्द क्या बन गया? अर्ध पिपली। इसका लिंग किसके अनुसार हुआ? पिपली के अनुसार हुआ, क्योंकि पिपली स्त्रीलिंग में होता है। अर्ध पिपली जो सामासिक पद है, इसका लिंग भी क्या होगा? स्त्रीलिंग में होगा। अर्ध पिपली किसकी तरह चलेगा? गौरी नदी, ठीक है, स्त्रीलिंग में होगा। इतना हो गया। तो इसके ऊपर ये प्रतिषेध करता है ना, ये जो परवल लिंग हुआ इसका प्रतिषेध करता है ये वार्तिक। कौन सा वार्तिक? देखो, दिगो प्राप्ता पन्नालम पूर्व गति समासेषु प्रतिषेधो वाच्यः। दिगो प्राप्ता पन्नालम पूर्व गति समासेषु प्रतिषेधो वाच्यः। फिर बोलो।
प्रतिषेध करना चाहिए, ये बोलते हैं। किसका प्रतिषेध? परवल लिंग का। किसका? परवल लिंग का प्रतिषेध करना चाहिए। हाँ, परवल मतलब पर्वत, नहीं तो खाते हैं परवल, है ना, परवल खाते हैं सब्जी, वो परवल नहीं कह रहे पर्वत मतलब, हाँ पर्वत आया ना, हाँ जो पर का अर्थ है उत्तर, चरम पद, उसके लिंग के अनुसार द्वंद्व समास का और तत्पुरुष का होता है। ऐसा जो परवल लिंग है उसका प्रतिषेध करना चाहिए, सुनते हो? कहाँ पर प्रतिषेध करना चाहिए? बोला समास में। कहाँ पर? समास में, ठीक है। मतलब विशेष्य के अनुसार होगा, किसके अनुसार लिंग होगा? विशेष्य। उत्तर पद के अनुसार लिंग ठंडा है क्या? नहीं, कम रखा है इसलिए। अच्छा देखो, पहला कह जाए द्विगु समास। पहला क्या कहा? द्विगु समास में लिंग किसके अनुसार नहीं होगा? उत्तर पद के अनुसार लिंग नहीं होगा, समझ में आ रहा है? किस समास में? द्विगु समास में। इतना आया, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा? प्राप्त आपन्न अलम है पूर्व, मतलब जिस तत्पुरुष समास के पूर्व पद प्राप्त हो, आपन्न हो और क्या अलम हो, आगे समझ में है ना? तो ऐसा तत्पुरुष समास में कौन सा लिंग नहीं होगा? पर्वत लिंग नहीं होगा, उत्तर पद के अनुसार लिंग नहीं होगा, विशेष्य के अनुसार लिंग होगा। इतना आया? आया। अंतिम में क्या कहा? गति समास। गति समास में भी गति समास से यहाँ पर लेना प्रादि समास, कुगति प्रादय है ना, उसमें जो प्रादि समास है उसको लीजिए यहाँ पर, समझ में ना? ऐसा शब्देन्दु शेखर में कहा, नागेश भट्ट, नागेश भट्ट नाम सुने हैं व्याकरण में, उसने ऐसा विचार किया है। बड़े विद्वान थे नागेश भट्ट, व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान, तपस्वी भी थे। चलो तो पहला क्या है बोलो? द्विगु समास, उसका उदाहरण है पंचसु कपालेशु संस्कृत पंच कपाल, बोलो। पुरोडास, हालांकि सूत्र ये उदाहरण कल हो गया, विग्रह बता दिया, पंचसु कपालेशु संस्कृत, पांच कपाल में मिट्टी का पात्र, पांच मिट्टी के पात्र है छोटे छोटे बनाते हैं, उसमें बनाते हैं पुरोडास, हाँ जाग के लिए, यज्ञ करने के लिए, ठीक है, द्रव्य देवता को उद्देश्य करेंगे, जो द्रव्य देंगे ना उसको कहते हैं पुरोडास, ऐसे चावल से अथवा आटा से ऐसे बनाते हैं, लेकिन वो कहाँ पर पकाएंगे? पांच कपाल, पांच मिट्टी के पात्र में पकाएंगे, तब वो शुद्ध होगा, हाँ समझ में ना? ये कह रहे हैं पंचसु कपालेषु संस्कृतः, संस्कृतम भक्षः, ये सूत्र है, संस्कृतम भक्षा सूत्र से अण प्रत्यय होता है कि नहीं? इसलिए पंचन सु कपाल सुप, सुप सुप बहुवचन, पंचन सुप कपाल सुप, आगे कौन सा प्रत्यय है? अण। तो यहाँ पर क्या समास हो रहा है? देखो किस सूत्र से? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, तद्धितार्थ है ना, तद्धित प्रत्यय कौन है? अण। किस अर्थ में? संस्कार अर्थ में, किस अर्थ में? संस्कार अर्थ में आ गया, समास हो रहा है। किसका किसके साथ समास हो रहा है अनुराग, बोलो? हाँ ठीक है, आगे नहीं, आगे नहीं, पंचन सुप कपाल सुप यहाँ पर समास हो रहा है, हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है, तो फिर क्या बन गया? पंचन कपाल, आगे अण का भी लुक हो गया, दिगर लुक अनपत्य सूत्र है, ठीक है, आपकी पुस्तक में दिया भी होगा, दिगर लुक अनपत्य,
तो कितना रहा, पंचन कपाल। नकार का लोप भी हो गया, नकार का लोप किससे, कितना रहा, पंच कपाल। ये द्विगु समास है, हाँ कि नहीं है, इसलिए पंच कपाल या द्विगु समास है। तत्पुरुष भी है क्या, तत्पुरुष भी है, द्विगु समास तो तत्पुरुष में ही आता है ना, इसलिए तत्पुरुष जो समास होता है उसका लिंग किसके अनुसार होता है भाई, पर्वत उत्तर पद, पंच कपाल में उत्तर पद कौन है, कपाल, उसका लिंग कौन सा होता है, नपुंसक होता है, इसलिए पंच कपाल का भी लिंग नपुंसक होना चाहिए था, किस सूत्र के अनुसार, ये वार्तिकार कह रहे निषेध ना, निषेध हो जाएगा यहाँ पर है कि नहीं, कौन सा लिंग का निषेध हुआ, नपुंसक लिंग का निषेध हो गया। फिर भाई इसका विशेष्य कौन है, पुरुडास, पंच कपाल कौन है, पुरुडास। अब पुरुडास का लिंग पुलिंग में होता है, इसलिए पंच कपाल का भी लिंग क्या हुआ, पुलिंग हुआ, ऐसे में ये भारतीय बोलते हैं। इतना आया, तो द्विगु के बाद क्या है बोलो, प्राप्त, प्राप्त पुरुडास नाम ही उसका, और पिंड, पिंड पुरुडास पिंड को बोलते हैं, जो आटे से बनाते हैं ना टुक, ऐसे पिंड गोल गोल बनाते हैं, पिंडदान करते हो ना, पितरों को दान करते कि नहीं, यही होता है पुरुडास, ठीक है। तो पुरुडास विशेष्य हो गया, आ विशेषण कौन है, पंच कपाल, मतलब अयम पुरुडास पंच कपाल, ये पुरुडास पांच कपालों में बनाया गया, संस्कृत किया हुआ है, हैं? पूछेगा ना, कोई जानकार व्यक्ति नहीं पूछेगा, ये पुरुडास पांच कपाल में बना गया है, तो क्या बोले, हाँ अयम पुरुडास पंच कपाल, ठीक है। अच्छा आगे देखो, उसके बाद देखो प्राप्त और आपन्न क्या है, प्राप्त और आपन्न, प्राप्त जिसके पूर्व में हो हैं, अथवा आपन्न जिसके पूर्व में हो तत्पुरुष में, उसमें कौन सा लिंग का प्रतिषेध करना चाहिए, परवल लिंग का प्रतिषेध करना चाहिए, ये वार्तिकार बोल रहे। लेकिन समास पहले हो तब ना प्रतिषेध करोगे, पहले समास तो होना चाहिए है कि नहीं, तभी समास का विधान करने वाला, ठीक है, प्राप्त सुबंत का, आपन्न सुबंत का है, तत्पुरुष समास का विधान करने वाला सूत्र आ रहा है, ठीक है। देखो प्राप्तापन्ने च द्वितीयया, प्राप्तापन्ने च द्वितीयया, प्राप्तापन्ने च द्वितीयया, प्राप्तापन्ने च द्वितीयया। देखो सूत्र में लगता है तो तीन पद है, क्या है, लगता है कि ये तीन पद है, हाँ लगता तो है, लेकिन होता नहीं, कभी कभी जैसा दिखता ऐसा होता नहीं, क्यों जी? क्यों भाई, संसार जैसा दिखता है ऐसा होता नहीं, महापुरुष लोग बोलते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि सूत्रों में जैसा दिखता है ना ऐसा होता नहीं, हाँ दिखता है तो तीन पद, लेकिन तीन पद है ही नहीं है, कितने पद है, चार पद है, कितने पद है, चार पद है, चार पद, एक पद कहाँ कर निकाल कर ले आए अभी, हाँ देखो निकालना पड़ता है ना, कैसे निकालेंगे, देखो प्राप्त पन्न तो एक पद हो गया है, प्रथमा का द्विवचन, प्रथमा का द्विवचन, प्राप्त पन्न है, नपुंसक लिंग में होगा ना, प्राप्त पन्ने हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ होगा, प्राप्त एक पद होगा, अपन्न एक पद, हाँ यहाँ पर प्रथमा द्विवचन क्या हुआ, प्राप्त पन्ने, प्रथमा का द्विवचन करो, एक दो लिख दिया, ठीक है, प्रतिपदि क्या होगा, प्राप्तापन्न, फलम फले फलाने हो जाएगा, चलो च हो गया अव्यय, जानते हो अब लोग। उसके बाद तीसरा पद है द्वितीयया, तीसरा पद क्या है, द्वितीयया, क्या प्रतिपदि होगी मालूम है, द्वितीया, द्वितीया का तृतीया एक वचन क्या बनेगा,
रमा का क्या बनता है, रमया बनता है कि नहीं, द्वितीया का द्वितीया, क्या विभक्ति हुई, तृतीया का एक वजन किसका, द्वितीया, द्वितीया प्रातिपदिक का तृतीया एक वचन क्या बनेगा, द्वितीय, हो गया। और तीन पद तो हुआ, चौथा पद कहाँ से आया, इसको विच्छेद करना पड़ेगा, द्वितीया प्लस अ, हाँ अकस्मा दीर्घ नहीं होगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है द्वितीया प्लस क्या आ गया, अ इसको बोलते हैं प्रश्लेष, क्या बोलते हैं प्रश्लेष, व्याकरण में क्या बोलते हैं इसको, प्रश्लेष, अरे फैला 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 देते हैं, कभी ऐसे सिकोड़ देते हैं फिर कभी फैला देते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे फैला दिया तो फैलाने को बोलते हैं प्रश्लेष है कि नहीं है, सुनते हो ना, ऐसा होता है, ठीक है। तो कैसे प्रश्लेष हुआ, अ का प्रश्लेष हो गया, फैला दिया ना अ को, हाँ है कि नहीं, द्वितीय आगे क्या है अ, अकस्म दीर्घ किया तो क्या बन गया द्वितीय, ये छुपा हुआ एक शब्द, ठीक है, विद्वान लोग उसको निकाल देते हैं, यहाँ पर छुपा है, हीरा छुपा है बोलते कि नहीं वैज्ञानिक लोग जमीन से नहीं निकाल देते हैं, परीक्षण करके, और क्या, इसी बेकार इसको कहते हैं तो विश्वतो मुखोत्तम, क्या है सूत्रों का क्या लक्षण है, बोलो याद है ना आप लोगों को सूत्रों का क्या लक्षण है, अल्पाक्षरम विश्वतो मुखम अस्तो भ मनोद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदो, वहां पर आया विश्वतो मुख आया, तो विश्वतो मुखोत्तम मतलब क्या है, व्यापकता है, बौहर्त बोधकत्व क्या है, बौहर्त बोधकत्व विश्वतो मुखत्व, बौहर्था बौहर्था बोधकत्व है कि नहीं, अनेक अर्थ का बोधक, अनेक अर्थ को बोध कराना, यही सूत्र का विश्वतो मुखत्व है, आए समझ में कि नहीं आ रहा, विश्वतो मुखत्व, हाँ ये दो अर्थों को बोध कराया कि नहीं, देखो दो अर्थों को बोध करा देगा, ये लगता है कि एक ही अर्थ, इसी प्रकार जो सूत्र है मंत्र भी होता है कोई श्लोक भी होता है, लगता है कि हमको अरे यहाँ पर तो एक ही अर्थ दिख रहा है, नहीं अनेक अर्थ हो जाता है, क्या है अनेक अर्थ, अनेक अर्थ हो जाता है, छांदोग्य में भी आया है कि नहीं, तो उसने कह दिया कि जो वो सत्य काम को उनके गुरुजी, जाओ तुम गौ लेकर जाओ जंगल में, 400 गौ लेकर जाओ है ना, और जो है जब 1000 गौ हो जाएगी तब वापस आना, समझ में आएगी नहीं है ना, अरे भाई वो जो है वो उनको ज्ञान कराना चाहिए ना, गुरुकुल में गया है कोई और उसको जो गाय चराने के लिए जाओ बोल रहे हो, है कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है, क्यों फिर भेज दिया, अरे भी उसके ऊपर अनुग्रह होगा, क्या है, हाँ समझ में कि नहीं, उसके ऊपर गुरु का अनुग्रह हो जाए इसलिए सेवा देनी पड़ती है, लोग तो उल्टा समझते हैं, हमको इतना सेवा कराते हैं, पढ़ाते नहीं केवल सेवा कराते हैं, लोगों का भ्रम होता है कि नहीं जी। तो वहाँ पर जो है विद्वान लोग कहते हैं भाई देखो ऐसा नहीं, हाँ इसके ऊपर जो अनुग्रह हो जाएगा तो ज्ञान तो प्राप्त हो जाएगा, इसलिए उनको सेवा दिया, ऐसा अर्थ निकल गया कि नहीं, हैं कि परंपरा से ये अर्थ आ गया मंत्र का, कौन सा अर्थ आ गया, इसके ऊपर अनुग्रह हो जाए शिष्य के ऊपर, इसलिए गुरुजी ने उसके ऊपर क्या दिया, सेवा दिया, आ गया, तो मंत्र में जैसे हुआ कि नहीं, अनेक अर्थ हुआ कि नहीं हुआ, इसी प्रकार सूत्र में भी होता, यही होता है सूत्र अथवा है मंत्र का विश्व तो मुखत्व है, ठीक है, दो अर्थ आ रहा है देख लो कहते हैं समस्यते, बोलो समस्यते, हाँ समास होता है किसका किसके साथ, देख लो प्राप्त सुबंत का आपन्न सुबंत का द्वितीयांत सुबंत के साथ तत्पुरुष समास हो, एक अर्थ तो आ गया, ठीक है, और सूत्र में जो अ का प्रश्लेष किया अंतिम में किया ना जी। वो दूसरा कार्य होगा,
अकारश्च अनयोर अन्तादेशः पढ़ो। बोलते हैं ये अंतादेश भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अंतादेश भी हो जाएगा, अंतादेश अकार का आदेश भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अकार का आदेश भी हो जाएगा। सुनते हो, किसको होगा? समास के अंत में, प्राप्त सुबंत का है, आपन सुबंत के साथ जो समास हो रहा है इसमें अकार का अंतादेश भी होगा, अकार का आदेश भी होगा। दो कार्य हो गया, क्यों? सूत्र समझ में आ गया, एक तो समास हो गया और दूसरा अकार का आदेश भी हो रहा है। क्या हो रहा है? अकार का आदेश भी हो रहा है, हो गया। देखो कैसे बता रहे, प्राप्तो जीविकाम प्राप्त जीविकः, प्राप्तो जीविकाम प्राप्त जीविकः, ये विग्रह हो गया। देखो है जीविका को प्राप्त किया, क्या किसको प्राप्त किया? जीविका को प्राप्त किया, बंद करो। जीविका को प्राप्त किया ना, क्यों खोल रहा? बैठो। प्राप्त सु जीविका आम लिखो, प्राप्त सु जीविका आम, प्राप्त सु हो गया प्रथमा एक वचन, ठीक है, और जीविका आम द्वितीय का एक वचन, द्वितीय अंत है ना, है हाँ। प्राप्त सु आगे जीविका आम समास हो रहा है ना, किस सूत्र से? यही प्राप्त पन्न द्वितीय, इतना आया। अब देखो तत्पुरुष समास हो रहा है, उपसर्जन संज्ञा होगी, क्या है? उपसर्जन संज्ञा होगी, ठीक है ना। अच्छा उपसर्जन संज्ञा जो होगी, ठीक है हाँ, किस सूत्र से होगी? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, सुनते हो कि नहीं? तो यहाँ पर जो देख लो, यहाँ पर क्या है, प्राप्त पन्ने प्रथमा का द्विवचन है, प्रथमा निर्दिष्ट हुआ कि नहीं हुआ, सुनते हो ना, इसलिए प्राप्त सु पूर्व हो गया है कि नहीं, तो सु का लुक हो गया, ओम का भी लुक हो गया, कितना रहा बोलो? प्राप्त जीविका आकारांत है ना, है अब क्या बोलती है, है अकार भी अंतादेश हो जाएगा, क्या होगा? अकार भी अंतादेश, किसको? जीविका के आ को अकार भी अंतादेश, आकार अंतादेश हो जाएगा, ठीक है। आकार जब अंतादेश हो जाएगा तो कितना रहेगा? प्राप्त बोलो जीविको, जीविको हाँ, प्राप्त जीविको, सुनते हो है इतना या? इसका लिंग कौन सा होना चाहिए था? स्त्रीलिंग होना चाहिए था, क्योंकि जीविका उत्तर पद है ना, जीविका किस स्त्रीलिंग में होता है? जीविका स्त्रीलिंग में होता है, इसलिए ये स्त्रीलिंग में होना चाहिए था। और ये वार्तिककार बोल रहा नहीं, हाँ ये परवल लिंग का निषेध हो जाएगा, किसके अनुसार लिंग होगा? विशेष्य के अनुसार, ये देवदत्त जो है ना, ये जो देवदत्त प्राप्त जीविक, ये पुरुष अयम पुरुष प्राप्त जीविक, पुरुष किस लिंग में होगा? पुलिंग में होगा, पहले ये भी किस लिंग में होगा? पुलिंग हो जाएगा, तो क्या बनेगा? प्राप्त जीविक हो गया, विशेष्य के अनुसार होगा, बोला विशेष्य का लिंग जैसा होगा ये समास का प्राप्त जीविक का भी लिंग ऐसे ही होगा, आया। अच्छा एक देखो तत्पुरुष समास निकालो शुरू में एकदम, एक सूत्र है क्या, द्वितीय सीता पतित बोलो है, वो तो बोलता है प्राप्त है कि नहीं सुबंत, वहां पर द्वितीय अंत सुबंत का प्राप्त सुबंत के साथ तो समास है ही पहले से है? तो उस सूत्र से यदि समास करोगे, क्या उस सूत्र से समास करोगे, विचार कर लो प्राप्त जीवी को बनेगा नहीं बनेगा है, नहीं बनेगा ना, प्राप्त जीवी का नहीं बनेगा, कैसे नहीं बनेगा? देखो वहां पर द्वितीय क्या है, प्रथमा निर्दिष्ट हो गया, प्रथमा निर्दिष्ट, इसलिए यहाँ पर उपसर्जन संज्ञा किसकी हो जाएगी?
है द्वितीयांत की हो जाएगी ना, जीविका आम की हो जाएगी फिर, प्राप्त सु जीविका आम उपसंज्ञा संज्ञा फिर किसकी हो जाएगी, जीविका आम की हो जाएगी, वो पूर्व में हो जाएगा फिर है तो क्या बन जाएगा, जीविका प्राप्त हो जाएगा फिर, क्या हो जाएगा, जीविका प्राप्त, प्राप्त जीविका बनेगा नहीं बन सकता है, प्राप्त जीविका नहीं बन सकता है, क्या बनेगा, जीविका प्राप्त हो जाएगा, आया समझ में ना, आया समझ में, उस सूत्र से समास करोगे तो बनेगा जीविका प्राप्त हो, दोनों से समास होगा, सुनते हो कि नहीं, द्वितीय सीता सूत्र से यदि समास करोगे है कि नहीं, क्या शब्द बनेगा, जीविका प्राप्त हो, और प्राप्त पन्न द्वितीय सूत्र से करोगे तो क्या शब्द बनेगा, प्राप्त जीविका हो, दोनों शुद्ध है, दोनों शुद्ध है, इतना आया, अच्छा आगे, आपन्न जीविका हो, बोलो यहाँ पर भी ऐसे ही विग्रह हुआ, आपन्न सु जीविका आम, ठीक है नारायण, तो आपन्न जीविका हो गया पहले है स्त्रीलिंग ना है, फिर जीविका के आ को औकार होने पर क्या होगा, जीविका हो गया, हो गया, फिर इसका लिंग पुलिंग हुआ विशेष के अनुसार, तो अयम बालक अथवा अयम पुरुष आपन्न जीविका हो, ठीक है, अर्थ है दोनों का एक ही, किस किस का, आपन्न और एक ही अर्थ है, अर्थ तो एक ही है ना, हाँ तो क्या बन जाएगा, आपन्न जीविका, उस सूत्र से यदि करेंगे तो द्वितीय सीता से जीविका पन्न, संधि कर दिया ना, जीविका आगे आपन्न दीर्घ कर दिया, क्या बनेगा, जीविका पन्न हो गए कि नहीं, उसके बाद देखो सूत्र वार्तिक में था अलम, वार्तिक था अलम, अलम जिसके पूर्व में हो, भारतीय में है कि नहीं अलम, अलम जिसके पूर्व में हो ऐसा तत्पुरुष का लिंग है परवल लिंग नहीं होगा, ठीक है भाई, जैसे देख लो अलम कुमार यही, बोलो अलम कुमार यही, अलम कुमार यही, ये समास हो रहा है, ये प्रादि समास है, कुगति प्रादय, और प्रादि गया कि नहीं, तो वहां पर देखो एक था निरादय क्रांता दर्थे, नहीं 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 चतुर्थी पर्यादय ग्लानार दर्थे चतुर्थ्या, चतुर्थी है कि नहीं, भारती नहीं मिला आपको, कहाँ पर कुगति प्रादय में भारती है कि नहीं, है चारठो भारती है, तीसरी भारती क्या है, तीसरा भारती पर्यादय, बोलो ना भाई, ठीक है ना, ये बोलता है, इससे क्या हो जाएगा, हाँ प्रादि समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रादि समास हो जाएगा, देखो प्रादि समास कैसे हुआ, कहते हैं अलम कुमार यही, क्या बोल दिया, मतलब कुमारी के लिए पर्याप्त है, हैं अलम का अर्थ क्या होता है, पर्याप्त, क्या होता है, क्या होगा, अलम आगे बोलो, कुमारी आगे चतुर्थी गे, कुमारी शब्द दीर्घ इकार अंत, अलम कुमारी आगे बोलो गे, ठीक है भाई, हाँ तो क्या बन गया, अलम कुमारी गे का लुक हो गया, कितना रहा, अलम कुमारी तत्पुरुष है क्या, बोलो तत्पुरुष है, तत्पुरुष है ये, है कि नहीं, तो इसका लिंग किसके अनुसार होना चाहिए था, कुमारी के अनुसार होना चाहिए था, किस सूत्र से, परवलिंगम नंद तत्पुरुष, अब भारतीकर कह रहे ना, इसका लिंग किसके अनुसार होगा, विशेष के अनुसार, ये जो व्यक्ति है कुमारी के लिए क्या है, पर्याप्त है, हा? पर्याप्त है बोल दिया, कि मतलब समर्थ है ये, ठीक है, ये कह दिया पुलिंग होने से क्या होगा, अलम कुमारी दीर्घ नहीं होगा फिर, हर्ष हो जाएगा, अलम कुमारी हो गया, पुलिंग होने पर दीर्घ नहीं रहेगा, हर्ष हो जाएगा, अलम कुमारी आयम अलम कुमारी ही हो गया ना,
अच्छा उसके बाद देखो, उसके बाद क्या कहते हैं, निष्कोष, एक मिनट, अतएव ज्ञापका समास बोलो। अतएव ज्ञापका समास, तो यहाँ पर एक कहते हैं कुछ कहते हैं, देखो यहाँ पर दिया है, एक नॉट टिप्पणी में दिया है, अलम पूर्व समास विधेर अनुपलभात। अच्छा अच्छा अलम जिसके पूर्व में हो ऐसा समास का विधान तो हुआ नहीं, अतएव अलम पूर्वस्य परवलिंगता प्रतिषेध वचनात् इत्यर्थ वस्तु तस्तु पर्यादयो ग्लानादर्थे चतुर्थ्या इति समासे एक विभक्ति इति उपसर्जनत्वे गोस्त्रियो इति हर्षः एवमेव निष्कोषम्भि इत्यत्र निरादयः इति समासः उक्तवार्तिकेन परवलिंगता निषेधश्च। अच्छा 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 ये कहते हैं, सुन लो, जैसे अलम जिसके पूर्व में हो है ना, ऐसा समास का विधान तो है ही नहीं, क्या पहले विचार कर रहे, अलम जिसके पूर्व में हो ऐसे तत्पुरुष समास का विधान तो है ही नहीं, विधान जब है ही नहीं तो परवलिंगम लगेगा नहीं लगेगा है? जब नहीं लगेगा तो प्रतिषेध कैसे करते हो आप, जिसके पूर्व में अलम हो ऐसे समास का लिंग पर्वत नहीं होगा, बुद्धि में बैठाओ, शंका कर रहे हैं, क्या शंका हुई है, अलम जिसके पूर्व में हो, सुनते हो ना, पूर्व में हो ठीक है, ऐसा तत्पुरुष का लिंग पर्वत नहीं होगा, किसके अनुसार होगा, विशेष्य के अनुसार, इतना है समझ में, लेकिन अलम जिसके पूर्व में हो ऐसा समास पहले हो तब ना निषेध करोगे, समास तो पहले ही नहीं है, आ गया, तब कहते हैं ये उत्तर दे रहे, अतएव ज्ञापकार, अरे भाई यहाँ पर ज्ञापक हो रहा है ना, क्योंकि वार्तिक में अलम शब्द का प्रयोग कर दिया, क्या कर दिया, वार्तिक में अलम शब्द का प्रयोग, हाँ, इससे ज्ञापित होता है कि अलम का तत्पुरुष समास होता है, अलम का समर्थ सुबंत के साथ तत्पुरुष समास होता है, ये हो है, इसका ज्ञापक क्या हुआ, अलम पूर्व ये शब्द हुआ, समझ में ना, ये शब्द क्या हो गया, ज्ञापक हुआ, किसका ज्ञापक, तत्पुरुष का, कौन सा तत्पुरुष का, अलम जिसके पूर्व में हो, मतलब अलम अलम का समर्थ सुबंत के साथ तत्पुरुष समास होता है, आ गया, ये किससे ज्ञापित हुआ, अलम ऐसा जो ग्रहण कर दिया वार्तिक में, वार्तिककार ने जो कह दिया, आगे करें, ये प्राप्त सत्याम निषेध, देखो इधर जहां पर प्राप्त है ना उसी का निषेध होगा, जो प्राप्त नहीं तो उसका निषेध होता है क्या, सुनते हो कि नहीं, ठीक है, जैसे आश्रम में लिख देते हो, यहाँ पर अधिकारियों के लिए है जो प्रवेश है, क्यों लिखते हैं, यहाँ अनधिकारी भी आते हैं, क्या क्या है, अनधिकारी अनधिकारी प्राप्त होते हैं, इसलिए अनधिकारी का प्रवेश नहीं है, अधिकारी का प्रवेश है, बोलते कि नहीं, सुनते हो ना, हाँ, जैसे मान लीजिए महात्माओं का भंडारा होता है, हाँ, ब्रह्मचारी के लिए नहीं है, प्रसिद्ध प्रतिषेध कर दिया कि नहीं, क्यों प्रतिषेध कर दिया, क्योंकि ब्रह्मचारी आ सकते हैं, आते भी प्राप्त सत्याम निषेध, इसी प्रकार से यहाँ पर निषेध कर दिया कि नहीं, किसका निषेध किया, परवलिंग का, किसको लेकर के, अलम जिसके पूर्व में वैसा समास का, इससे ज्ञापित होता है कि अलम का भी समर्थ सुबंत के साथ क्या होता है, प्रादि समास, ये तत्पुरुष समास होता है, आ गया, इसलिए बोल दिया, अतएव इसलिए ज्ञापकाद, ज्ञापक होने से कौन शब्द ज्ञापक हुआ, अलम शब्द, अलम शब्द कहाँ पर है, वार्तिक में, इसलिए समास हो जाएगा, समास जब हो जाएगा तो लिंग कौन सा होना चाहिए था, परवलिंग, कुमारी को लेकर होना चाहिए था, आ गया कि नहीं आया,
आ गया, ठीक है, स्त्रीलिंग होना चाहिए था, इतना हुआ। लेकिन टिप्पणीकार कहते हैं वस्तु तस्तु को लेकर के, वस्तु तस्तु पर्यादयो ग्लानादर्थे चतुर्थी आदि समास, वस्तु तो मतलब वास्तविक, वास्तविक तो ये समझना चाहिए, पर्यादयो ग्लानादर्थे चतुर्थ्या इससे समास तो हो जाएगा। क्या किससे समास हो जाएगा? ये पर्यादयो ग्लानादर्थे कह दिया ना, पर्यादि में अलम भी आ जाएगा, क्या पर्यादि में अलम भी आ जाएगा, ठीक है ना, इसलिए अलम का कुमारी गे के साथ क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा, ये बोल रहे हैं। आगे टिप्पणीकार बोल रहे हैं, सुनते हो ना, हाँ, इसलिए समास जब हो जाएगा फिर जो है क्या कहते हैं, एक विभक्ति चा पूर्व निपात है, इससे उपसर्जन हो जाएगी, किसकी मालूम है, कुमारी की, किसके, कुमारी की, तो समास तो हो गया, अलम कुमारी गे का लुक हो गया, अब कुमारी की भी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, किससे, एक अभिव्यक्ति चा पूर्व निपात, उपसर्जन जब हो जाएगा, उपसर्जन का फल क्या है, हर्ष करना है, किससे, गोस्त्रियो उपसर्जन, हर्ष कर दिया, किसको हर्ष कर दिया, अलम कुमारी के दीर्घकार को, दीर्घकार को जो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा, हो जाएगा जी, बोलो अलम कुमारी, ठीक, अलम कुमारी का लिंग किसके अनुसार होना चाहिए, कुमारी के अनुसार, ठीक है नहीं, अब ये निषेध कर देगा वार्तिक, कौन, दिगु प्राप्त पन्नालम पूर्व गति समासेषु प्रतिषेधो, आगे चलो भाई, उसके बाद अंतिम है निष्कोशम्बी, ठीक है, तो निष्कोशांश में भी ऐसे ही समझ लो, है ना, किसे समास हो रहा है, निरादय क्रांतादर्थे पंचम्यः, मिला आपको, है मिला कि नहीं, वार्तिक कुगति प्रादय के वार्तिक में है ना, हाँ बराबर है, इसलिए देखो नीर आगे क्या है, कौशाम्बी, कौशाम्बी के बाद क्या होगा, गसी, क्या होगा, गसी, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, निष्कोशाम्बी करो, गसी का लुक हो गया, कितना रहा, निष्कोशाम्बी हो गया, निष्कोशाम्बी, फिर जो है कोशाम्बी के दीर्घ इकार को क्या हो गया, हर्ष हो जाएगा, है ना, वही गोस्त्रियो हर्ष, हर्ष इकार हो गया, इसका लिंग क्या होना चाहिए, स्त्रीलिंग होना चाहिए, किससे, परवलिंगम से, अब भारतीय का निषेध कर दिया, विशेष के अनुसार हो गया, पूरा हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है भाई, चलो, हाँ ये गति समास हुआ, प्रादि समास हुआ, क्या हुआ, हाँ गति समास मतलब प्रादि समास, प्रादि समास का उदाहरण कौन हो गया, निष्कोशाम्बी, हो गया भाई, पूरा हो गया, उसके बाद देखो अर्धर्चाहा पुंसी च, अर्धर्चाहा पुंसी च, अर्धर्चाहा पुंसी च, अर्धर्चादय, बोलो अर्धर्चादय शब्दाहा, शब्दाहा पुंसी क्लिवे च स्युः, पुंसी क्लिवे च स्युः, पूरा बोलो एक बार, अर्धर्चादयः शब्दाहा पुंसी क्लिवे च स्युः, अर्धर्चाहा, अर्ध और क्या है, हाँ हाँ अर्च नहीं, रिच, रिच होता है, रिच रिच, हाँ दो नंबर टिप्पणी दे दिया, रिचो अर्धम इति विग्रह, मिला आपको, टिप्पणी में दिया गीता प्रेस की, देखो रिचो हो अर्धम, क्या विग्रह करेंगे, हाँ ऐसा विग्रह, किससे समास हो रहा है, अर्धम नपुंसकम, किससे हो रहा है, अर्धम नपुंसकम, इससे समास होता है, ठीक है भाई, अर्धर्च ऐसे शब्द बनेगा, क्या शब्द बनेगा, अर्धर्च बनेगा, ठीक है, अर्धर्च प्रथमा का बहुवचन लिख लो,
अधर्च प्रथमा का बहुवचन है, ठीक है, प्रथमा बहुवचन क्या प्रतिपदी अर्धर्च, अर्धर्च। इस प्रकार और भी बहुत सूत्र है, बहुत शब्द है, अर्धर्च आदि शब्द, ठीक है, उसका लिंग क्या होगा, पुंसी च, पुंसी है सप्तमी का एक वचन पुंस का, और च कहने से क्या लेंगे, क्लीब, क्या कहेंगे, क्लीब, नपुंसक भी होगा। और तो देखो अर्धर्च आदि शब्द पुलिंग में भी होते हैं और नपुंसकलिंग भी होते हैं, ठीक है, जैसे कह दिया अर्धर्च, दो शब्द बनेगा, अर्धर्च ही बनेगा, अर्धर्चम भी बन जाएगा। विग्रह बोलो क्या हुआ, विग्रह ऋच अर्धम, ऋच जानते हैं मंत्र, मंत्र चकारांत ऋच, ऋचा बोलते हैं ना, ऋच चकारांत हो गया, ठीक है, तो ऋच गांस आगे क्या है अर्ध, ठीक है भाई, ऋच चकारांत, ऋच गांस आगे अर्ध, किस सूत्र से समास हो रहा है बोलो, अर्धम नपुंसकम, अर्धम नपुंसकम, ठीक है, मतलब ऋच मंत्र, ऋचा मंत्र का आधा भाग ये बोल रहे हैं, आधा भाग को पहले समझो, उसके बाद में पूरी को समझना है, ठीक है। तो अलौकिक विग्रह क्या है, रिचा क्यों बोलते हो, रिच बोलो, रिच गांस अर्ध, ठीक है, उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी, अर्ध की होगी, अर्धम प्रथमा निर्दिष्ट है कि नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा है इंद्रा, आ रहा है, प्रथमा निर्दिष्ट, अर्धम नपुंसकम दो पद है कि नहीं, अर्धम प्रथमा के एक वचन हुआ कि नहीं हुआ, तो प्रथमा जो निर्दिष्ट होता है ना, ठीक है, उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, हो गया, इसलिए अर्ध सु की उपसर्जन संज्ञा होगी, और उपसर्जन पूर्वम से पूर्व हो जाएगा, कौन पूर्व में हुआ, अर्ध सु कौन पूर्व में नहीं हुआ, रिच गांस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उपसर्जन, उपसर्जन जो होगा वो पूर्व में होता है, उपसर्जन कौन है, अर्ध, कौन नहीं है, रिच गांस, दो पद है ना, रिच गांस पूर्व में क्यों नहीं हुआ, अब बताइए, नहीं होने से, कौन नहीं है, रिच गांस बोलिए, हाँ कौन उपसर्जन है, अर्ध, हाँ अर्ध, अर्ध केवल अर्ध, अर्धसु, 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 अर्ध केवल अर्ध नहीं, अर्धसु, ठीक है, हाँ कौन उपसर्जन हुआ, अर्धसु, क्यों हुआ, प्रथमा निर्दिष्ट है ना, इतना समझ में, चलो तो अर्धसु रिच गांस, रिच गांस हो गया भाई, सु और गांस चला गया तो कितना रहा, अर्ध आगे रिच, हो गया, अर्ध में क्या बनना है, अंतिम में अकार है, आगे रिच का रिकार है, क्या लगेगा बोलो, आद गुणा, आदगुण होने पर और हो जाएगा, इसलिए क्या हुआ, अर्धर्च चकारांत हो गया, कितना हुआ, चकारांत हो गया, ठीक है भाई, क्या शब्द हुआ, अर्धर्च चकारांत है, अरे औकार कहाँ से आ गया भाई, हैं, देखो बोलते हैं आगे एक सूत्र आएगा, एक सूत्र आएगा समासांत करने वाला, है कहाँ पर है मालूम है, यहाँ पर जो आएगा, कहाँ पर ये एक है ना, ऋक् पूर्वधुः पथा मानक्षे, देखो तो ऋक् पूर्वधुः पथा मानक्षे समासांत प्रकरण में देखो 192 पृष्ठ में मिला आपको गीता प्रेस की, देखो ऋक् पूर्वधुः पथा मानक्षे मिला कि नहीं, वहाँ वो सूत्र अकार अंतादेश करेगा, क्या करेगा, समासांत करेगा, कौन,
ऋक् पूर्वधुः पथामानच्छ समासांत अप्रत्यय करेगा, कौन सा प्रत्यय करेगा? समासांत अप्रत्यय। आये समझ में ना? तो यहाँ पर भी लग गया, कहाँ पर? अर्धचाह पुंसी, सुनते हो ना? अर्धच सर्व शब्द में आ गया, अर्धच चकारांत है कि नहीं है, इसलिए चकार के बाद में अ बैठ गया, कौन बैठ गया? चकार के बाद में अ, तो क्या अकारांत शब्द हो गया, ठीक है, आगे सूत्र आएगा समझाएंगे, तो क्या शब्द बन गया? अर्धर्च, पहले चकारांत था अब अकारांत हो गया, ये व्याकरण है, ये व्याकरण है ना, तो अकारांत शब्द हो गया, ठीक है। लेकिन अर्धर्च का लिंग कौन सा होना चाहिए मालूम है? स्त्रीलिंग होना चाहिए, क्योंकि रिट शब्द स्त्रीलिंग में होता है, किस लिंग में होता है? स्त्रीलिंग में होता है, इसलिए अर्धर्च भी किस लिंग में होना चाहिए? स्त्रीलिंग में होना चाहिए। बोलते हैं सूत्रकार, बोलते देखो अर्धर्च शब्द ना स्त्रीलिंग में होगा, वो तो पुलिंग में हो जाएगा, नहीं तो कहाँ पर होगा? नपुंसक। आपके वहां दिया है स्त्रीलिंग प्राप्त है, दिया है तो टिप्पणी में दिया है, कुछ टीका में देख लो, स्त्रीलिंग है क्या? रिच शब्द, रिच शब्द स्त्रीलिंग में होता है मेरे ख्याल से, देखो लिखा हुआ है जैसे ऋचा अर्धम में समास करके समासांत अक्ष प्रत्यय करके अर्धर्चा बन जाता है, इस सूत्र से दोनों लिंगों का विधान होने से पुल्लिंग में अर्धर्चा और नपुंसक लिंग में अर्धर्चम, ये दो रूप बन जाते हैं। हाँ, मैं क्या लिंग प्राप्त था, नहीं दिया है? नहीं, ऋच स्त्रीलिंग में होता है मेरे ख्याल से, देख लूंगा, चलो रिच शब्द स्त्रीलिंग में होता है, ठीक है, चलो इसलिए क्या होगा, दो शब्द हो जाएगा, पुल्लिंग होने पर अर्धर्चा हो जाएगा, सु आ गया, विसर्ग हो गया, और नपुंसक जो हो जाएगा तो अर्धर्च सु, सु को अम, अर्धर्चम ज्ञानम फलम, हो गया कि नहीं हुआ? एवं देखो वृत्ति में एवं पढ़ो, ध्वज तीर्थ शरीर मंड मंडप यूप देहांकुश पात्र सूत्रादय, बोलो। एवं ध्वज तीर्थ शरीर मंडप यूप देहांकुश पात्र सूत्रादय, को सूत्र में अधर्चा कह दिया ना, गण हो गया गण, इसमें क्या ध्वज को लेकर के समास होगा, तीर्थ को लेकर के होगा, शरीर और क्या है, मंडप यूप देह अंकुश और सूत्र, हाँ पात्र भी हो गया, इसको लेकर समास करोगे, जैसे ध्वज ध्वज ध्वजस्य अर्धम, क्या होगा, अर्ध ध्वज भी होगा, अर्ध ध्वजम भी हो जाएगा, आ गया। इसमें का तीर्थ को लेकर हो जाएगा, तीर्थ तीर्थस्य अर्धम अर्ध तीर्थम अर्ध तीर्थ, ऐसा हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं, इसमें का शरीर आदि सब में ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है भाई, है। और एक देखो सामान्य नपुंसकम, सामान्य नपुंसकम, सामान्य नपुंसकम, सामान्य नपुंसकम, ये वार्तिक है भाई, गोल करो इसको, पोस्टक लिख दो, सामान्य नपुंसकम, ये वार्तिक है, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि जो है देखो, जहाँ पर विशेष रूप से लिंग विशेष का कथन नहीं होता है, ठीक है, जहाँ पर विशेष रूप से लिंग का भान नहीं होता है, वहां पर सामान्य रूप से नपुंसक होता है, सुनते हो, देखो टिप्पणी में दे दिया तीन नंबर में, यत्र विशेष रूपेण लिंग विशेषस्य अभानम तत् सामान्यम, सामान्य किसको कहते बोल रहे, ठीक है, जहां पर विशेष रूप से जिसका लिंग विशेष का भान नहीं होता है उसको क्या बोलेंगे, सामान्य, नहीं उसको सामान्य कहा जाएगा, ऐसा सामान्य में कौन सा लिंग होता है, नपुंसकम, सुनते हैं ना, हाँ ये बात, सामान्य मतलब सामान्य में, सामान्य क्या चीज है वो बता रहा है टिप्पणी कर, ठीक है, मतलब जहां पर मतलब जिस शब्द में विशेष रूप से लिंग विशेष का भान नहीं होता है, हाँ उसको कहते हैं सामान्य, उस सामान्य में नपुंसकम भवति,
नपुंसकम लिंगम भवती, वहां पर क्या लिंग होगा? नपुंसकलिंग होता है, नपुंसलिंग होता है, ये बोलते हैं। आ गया जी? ठीक है, जैसे कहते हैं ना, देखो किम जातम, क्या हुआ? किम जातम, हाँ किम जातम, किम में क्या लिंग होता है? नपुंसक ने किम जातम, क्या हुआ? जो पूछ रहा है उनको पता है क्या क्या हुआ? नहीं पता है ना, इसलिए किम शब्द में क्या लिंग होगा? जिज्ञासा हुई, पुलिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा कि नपुंसक होगा, जिज्ञासा हुई कि नहीं? कोई शब्द में तो कोई ना कोई लिंग होगा ना, इसलिए जिज्ञासा हुई कौन सा लिंग होगा किम शब्द में, तो वहां पर सामान्य हुआ कि नहीं हुआ? सामान्य है कि नहीं? कौन सा कार्य हुआ पता नहीं, क्या चीज हुई पते नहीं, इसलिए किम जातम, क्या हुआ, किम नपुंसक होगा, भगवान किम कथयति, आप क्या बोल रहे हैं, तो किम होगा, कह नहीं होगा, क्या लिंग होगा? किम, नपुंसक होगा, किम है ना, कह कथयति नहीं होगा, किम कथयति, समझते हो ना? ठीक है, कुमुक्तवान भगवान, किम उक्तवान, आपने क्या कहा? किम नपुंसक होता है, ऐसा समझ में? ये भारतीकार बोलते हैं सामान्य नपुंसकम्। ठीक है, जैसे कह दिया मृदु पचति, बोलो मृदु पचति, प्रातः कमनीयम, प्रातः कमनीयम, देखो कह दिया कि मृदु पचति, पच्चे मतलब बना रहा है, क्या है? बना रहा है, पका रहा है, और वहां पर कह दिया मृदु, कोमल कोमल, मृदु का अर्थ क्या है? कोमल कोमल, एकदम कोमल बना रहा है, रसगुल्ले कोमल हो रहा है ना। ठीक है, पचती हो गया क्रिया, क्रिया का विशेषण होता है मृदु, पचती है क्रिया, पका रहा है बना रहा है, कैसे पका रहा है? मृदु, कोमल नरम। ठीक है, यहाँ पर धातु होता है पच, टुपचस पाके, पच धातु है, पच धातु का अर्थ होता है व्यापार, क्या है? व्यापार बनाना, क्या फल है? विक्लित्ति, गल जाना, चावल है ना, चावल बनाते हैं एकदम गल जाना, विक्लित्ति हो गया फल, विक्लित्ति अनुकूलो व्यापार, पच धातुर, पच धातुर अर्थ, पच धातु का अर्थ क्या होगा? विक्लित्ति अनुकूल व्यापार, अनुकूल व्यापार, भाई ऐसा बनाओ जिससे विक्लित्ति हो जाए, क्या हो जाए? विक्लित्ति मतलब नरम हो जाए, विक्लित्ति बोलते हैं उसको, सुनते हैं ना, ये होता है। ठीक है, इसलिए विक्लित्ति हो गया फल, सुनते हैं ना, विक्लित्ति हो गया फल, विक्लित, हाँ विक्लित्ति अंश में मृदुत्व का अन्वय होगा, मृदु कोमल, मृदु पचति, देवदत्त मृदु पचति, मृदु का अन्वय किसके साथ होगा? व्यापार का जो फल है ना विक्लित्ति, विक्लित्ति के साथ अन्वय होगा, विक्लित्ति हो गया फल है ना, उसके साथ मृदु शब्द का अन्वय होगा, ये विचार होता है, व्याकरण भी बड़ा विचार होता है, हाँ इसलिए किस शब्द का अन्वय कैसे करोगे, कैसा होगा, ये विचार करना पड़ता है। हाँ इसलिए विक्लित्ति जो फल है किसका फल? व्यापार का, व्यापार का है ना, व्यापार का जो फल हो गया कौन? विक्लित्ति, उस विक्लित्ति का अन्वय होता है मृदु का, इसलिए विशेषण हो जाएगा, है ना, इसका विचार हम लोग कल करेंगे, और थोड़ा सा है। ओम नृत्तावसाने राज राजो नाना।